हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंह क्रिएशन एजुकेशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम, जिसका आज हम इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं। गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप अभी जाके उस रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे और आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। गाइस, इसी तरह से हम सारी वीडियोस बनाते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। यहाँ पर आपको क्लास 11th क्लास 12th के सभी चैप्टर्स बायोलॉजी के मिल जाएंगे। ये हमारी सीरीज़ जो है अभी चालू है, तो इसके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस के लिंक वहाँ पर गिवन है। और गाइस, अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन है मुझसे रिलेटेड टू चैप्टर्स, कोई डाउट है या फिर कोई आपको क्वेरीज है, आपको कोई चैप्टर जो है समझना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और इससे जो है हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स को की क्या डिमांड है और उन्हें क्या चैप्टर या क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है जो उन्हें समझना है। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। और ये एक डील की तरह हो गई, हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आप भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। सो गाइस, चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम, जो कि है चैप्टर नंबर 4th इन क्लास 11th NCERT बायोलॉजी। गाइस, इसका आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से पहले, सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है हम एनिमल किंगडम और ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है, फंजाई होते हैं, एनिमेलिया होते हैं और प्लांटे होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। उसी के साथ साथ हम किंगडम प्लांटे यानी कि थर्ड चैप्टर भी कम्प्लीट कर चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम आ जाते हैं एनिमेलिया किंगडम पर। ये जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं इन किंगडम्स को। किंगडम के अंदर जो भी फाइलम रखे गए हैं वो सब जो है इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन एंड सिस्टम्स यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गाइस, आई होप आप सब यहाँ पर बोर नहीं हो रहे होंगे। मैंने जितना हो सकता है उतना इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई किया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। देखिए, इस चैप्टर के ये चैप्टर बहुत बोरिंग हो जाता है अगर आप इसको पढ़ेंगे अपनी NCERT से। सो मेरा ये सजेशन है और आपकी टीचर होने के नाते मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल स्टेप है ये, कि आप जो है इस चैप्टर के डायरेक्टली नोट्स पढ़ें जो कि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो एक एक लाइन है ये NCERT से ली गई है और NCERT से ही इसको पूरे नोट्स को तैयार किया गया है। तो अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप प्लीज़ अपने साथ NCERT लेकर बैठें और उसमें जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये लाइन्स ज़रूर मिलेंगी, जिसको मैंने एज अ नोट्स के फॉर्म में तैयार करके आपके सामने रखा हुआ है। सो हम NCERT की लाइन बाय लाइन से, अच्छा, इस चैप्टर को बोरिंग ना बनाकर, इंटरेस्टिंग बनाकर इसके हम नोट्स को सीधा पढ़ें जो कि एग्जैक्टली NCERT की ही लाइंस हैं, जिन्हें अरेंज कर कर आपके लिए नोट्स बना दिया गया है। गाइस, सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके लिए क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को, आप ह्यूमंस और काउज में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, आप ह्यूमंस में यानी कि मैमल्स में और रेप्टाइल्स वगैरह में, इन सब में आप कैसे क्लासिफाई कर पाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, ठीक है, कुछ इनकी हैबिटेट के बेसिस पे, तो ये सब होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आइए हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं कि इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की हो सकती है। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया यानी कि सारे मेंबर्स किंगडम एनिमेलिया के जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी डायरेक्ट मल्टी सेलुलर नहीं होता, वो सम पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे वो यूनिसेल्युलर ही होता है, देन उसके अंदर डिवीजन होती है, तब जाके वो मल्टी सेलुलर बनता है। सो जो प्री स्टेज होती है किसी भी सेल की वो होती है यूनिसेल्युलर एंड फर्दर डिवीजन, ऑन फर्दर डिवीजन कुछ डिवीजन्स के बाद वो बन जाती है मल्टी सेलुलर। गाइज, हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, उससे आप क्या समझते हैं? लाइफ जो है बेसिकली हमारे
टेरेस्ट्रियल फेज पे नहीं बनी थी हमारी लाइफ, हमारी लाइफ टोटली डिपेंडेंट है एक्वस मीडियम पे, ठीक है, और वाटर में ही हमारी लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई थी, एक्वस में ही। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता चला कि सारे मेंबर्स जो होते हैं एनिमेलिया के वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, बट उनमें से कुछ, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सारे मल्टी सेलुलर तो होते हैं बट उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम बिल्कुल भी नहीं होता है, सबके कुछ अलग अलग पैटर्न होते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में होते हैं, किसी की हैबिटेट बिल्कुल अलग है, कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो कोई डिप्लोब्लास्टिक है। अब आपका मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये पता नहीं क्या बोले जा रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक। मेरा यहाँ पर आपसे कहने का सिंपल बिल्कुल बेसिक तरीका ये है कि आप पहले इसके बेसिस को समझें, इंट्रो को समझें, कि ये जो चीज़ें हम आगे डिफ्रेंशिएट करके हम हर कैरेक्टर के अंदर, हर फाइलम के अंदर जो हम रखने वाले हैं वो किस तरह से रखने वाले हैं उन कैरेक्टर्स को हम। गाइज ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है क्लासीफाई करने में ऑर्गेनिजम्स को। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तीन सिस्टम आएंगे इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, फर्स्ट इज माउथ एंड सेकेंड इज एनस। माउथ से आप अपनी बॉडी में मतलब इंजेक्ट करोगे या फिर अपनी बॉडी के अंदर जो आप खाना खाओगे, आप क्या मतलब बेसिकली जो ये ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ये जो अपनी माउथ से खाना खाएंगे और एक्सक्रीट कहाँ से करेंगे, एनस से। तो इट इज़ वेरी बेसिक कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, दैट आर माउथ एंड एनस। तो इसमें जो है प्लैटीहेलमिंथस जो है एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथस यहाँ पर आपको जो मैंने एक्सेप्शन वाले पॉइंट है उनके एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा इंक्लूड किए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसके पास जो है सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। जो प्लेटी है देखिए, खाना अंदर लेने के लिए माउथ और बाहर एक्सक्रीट करने के लिए एनस, ठीक है। बट प्लैटीहेलमिंथस ही एक मतलब एक सिंगल ओपनिंग है उसके पास, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिंगल ओपनिंग है जो कि दोनों कामों में वर्क करती है, एज अ माउथ भी और एज अ एनस भी। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आगे आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दो तरह का मिलेगा, एक ओपन टाइप, एक होगा क्लोज टाइप। इन ओपन टाइप द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। जो ओपन टाइप जो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ब्लड जो है पम्प किया जाता है आउट ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट से जो है पम्प किया गया ब्लड सीधे सेल्स और टिश्यूज के अंदर डायरेक्टली पहुँचता है, ठीक है। तो वो टिश्यूज जो हैं डायरेक्टली उस ब्लड के अंदर तैर रहे होते हैं, दैट्स द रियल मीनिंग बाथ इन इट। तो उसका मीनिंग यहाँ पे ये कि सीधा उसके अंदर तैर रहे होते हैं विदाउट एनी कवरिंग एंड ऑल। एंड क्लोज्ड में क्या होता है कि जो ब्लड जो होता है सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, कुछ वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू जो ब्लड जो है सर्कुलेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, या जैसे कि वो वेसल्स क्या हो सकती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके। सो क्लोज टाइप में क्या होगा, ब्लड के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कुछ वेसल्स के थ्रू जिसके अंदर उसे ये पता होगा कि ये ब्लड डायरेक्टली कहाँ जाने वाला है, किस ऑर्गन में जाने वाला है और इस वेसल से ये ब्लड कहाँ जाने वाला है। पर जबकि ओपन टाइप में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टली ब्लड को पम्प कर दिया जाता है सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर। देन हम आगे आते हैं हमारे जो सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे हमारी डिफरेंट है, सबसे पहले सिमेट्री कितने प्रकार की होती है। सिमेट्री होती है तीन तरह की, एक हो गई असिमेट्रिकल, सेकेंड हो गई रेडियल सिमेट्री, थर्ड हो गई बायलेटरल सिमेट्री। अब आप एक बार इसका स्ट्रक्चर वाइज समझ लें, समझ लीजिए आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर आप टू हाफ्स में इक्वली काट सकते हैं, दैट इज मतलब आप सेंटर पे रख के उसको दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगी रेडियल सिमेट्री, ओके। अगर आप एक सेंटर पार्ट को कंसिडर करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्वल, तो वो हो जाएगी रेडियल सिमेट्री। और यही अगर मूव कर रहा है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म अगर मूव कर रहा है और जब जाकर इसके मतलब राइट मतलब जैसे कि आप इक्वली आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा लेफ्ट पार्ट है और कौन सा राइट पार्ट है, और तब इसको आप डिवाइड कर सके आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में, ठीक है, एक ही प्लेन को आप दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वो हो जाएगी आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। तो आइए हमारी नोट्स में भी हम पढ़ लेते हैं। गाइस सॉरी अगर आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, बिकॉज मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आई होप आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और प्लीज़ मेरे लिए मेरे को सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, बिकॉज आपका प्यार बहुत मायने रखता है, मोटिवेटेड रखता है। कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और गाइस मूड भी ऑफ है बिकॉज दिस मोनेटाइजेशन एंड ऑल, इन सब की चक्कर में मूड भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, बिकॉज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और 10,000 का हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है आवर्स का, बट फिर भी मोनेटाइजेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो दिन है यू नो मूड जो है सब ख़राब हो जाता है। बेसिकली उसको अपनी स्टडीज़ पे ना इफेक्ट पड़ने देने के लिए, आपके लिए, ताकि आपकी स्टडीज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ, ताकि क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं बेसिकली जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, तो आपको काफ़ी हेल्प चाहिए होगी अपने चैप्टर्स में भी, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अभी हाफ वीडियो निकल चुकी है, एक तरीके से आप इंटरमिशन ही मान लीजिए इसको, अगर आपको वीडियो आधी वीडियो आप देख रहे हैं, आपने देख ली है और आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए। लास्ट वीडियो पे हमारा लाइक का जो टारगेट था वो 50 लाइक्स था, जो आपने कंप्लीट नहीं किया, बहुत डीमोटिवेशन फील हुआ, मन किया अब तो यार बनाओ ही मत, लगता है लोगों को पसंद नहीं आ रही है वीडियो और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरी वीडियोज़ को देखना, सिर्फ वो देखते हैं और चले जाते हैं। गाइस व्यूज़ मैटर करते हैं, बट व्यूज से ज़्यादा यूट्यूब जो है आपकी वीडियोज़ को सजेशन में डालता है अगर आपकी वीडियोज़ पे कमेंट और लाइक्स आ रहे होते हैं। सो गाइस प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को 50 आज भी मैं टारगेट रखूँगी, जब तक ये 50 टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा मैं अगली वीडियो पोस्ट नहीं करने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा ग्रीडी हो रही हैं टीचर और टीचर काफ़ी ज़्यादा मतलब लालची हो रही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप देख सकते हो हालत क्या है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है और ऐसी हालत में भी आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो प्लीज़ थोड़ा तो मोटिवेशन बनता है, आप थोड़ा तो मोटिवेशन दीजिए मुझे भी, ताकि आप जो है लाइक हमारी वीडियोस को करें तो मुझे लगे हाँ बच्चों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है और इट्स टोटली वर्थ इट कि आपके लिए मैं ऐसा काम कर रही हूँ। गाइज एक सेकेंड मुझे टाइम ब्रेक देना। ओके गाइज चलिए हम शुरू करते हैं हमारे स्पॉन्जेस से जो कि असिमेट्रिकल होते हैं। तो आपको सीधा ये रटना नहीं है कि असिमेट्रिकल होते हैं, आपको ये जानना है कि आपके जो स्पॉन्जेस हैं वो असिमेट्रिकल क्यों होते हैं। बिकॉज सबसे पहले जो है पॉरीफेरा आए थे जो कि स्पॉन्जेस ही होते हैं, तो उसमें क्या था कि शुरुआत हुई थी कि कुछ सेल्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए, कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए अपने टाइप के, और बाद में एक कम्युनिटी बनाई जाए और बाद में देखा जाएगा कि यार इसके अंदर क्या फंक्शंस ये कर सकते हैं, क्या फंक्शन नहीं कर सकते, क्या हैबिटेट है क्या। सबसे पहले देखा गया था भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, अब ये नहीं देखना हमें कि हाफ हाफ डिवाइड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो किसी भी तरह के स्पॉन्जेस इकट्ठे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एक सेकेंड, वो कहलाएंगे असिमेट्रिकल। ओके तो स्पॉन्जेस दो थे बेसिकली असिमेट्रिकल थे। जब भी आप टू हाफ्स में किसी बॉडी को डिवाइड नहीं कर पाते हो, इक्वल डिवाइड नहीं कर पाते हो, तो उसको हम कहते हैं असिमेट्रिकल। एनी प्लेन डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, इसका मतलब उसे हम कहेंगे असिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, एक लेफ्ट पार्ट हो जाए और एक राइट पार्ट हो जाए, और आपने सेंटर से उसको कट किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, तो अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सीलेंड्रेट्स, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्म, इनके पास ऐसी बॉडी होती है यानी कि रेडियल सिमेट्री होती है। इन सबको हम आगे जाके फाइलम्स में भी हम चेक करेंगे कि इनके अंदर कैसी बॉडी होती है और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उससे पहले आप यहाँ पर इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी बायलेटरल सिमेट्री के बारे में, इन्होंने क्या बताया हुआ है। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एक प्लेन के अंदर अगर आप
यानी कि एक पार्ट के अंदर अगर आप उसको हाफ में डिवाइड कर सकते हो, एक लेफ्ट पार्ट हो सकता है और एक राइट पार्ट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। यानी कि आपने आर्थ्रोपोड्स में भी देखा होगा कि आप उनके अंदर सेगमेंट्स के बाद आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको साफ पता चल जाता है कि कौन सा राइट पार्ट आप कह सकते हो और कौन सा लेफ्ट पार्ट आप इसमें कह सकते हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हम ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी। जब भी दो एम्ब्रियोनिक लेयर, समझ लीजिए एक सेल है उसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी वो होगी एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद जो इनर होगी, समझ, ये एक इनर बना लेते हैं, इनर होगी वो होगी एंडोडर्म। तो ये जो मिडल वाली होगी ना आपकी लेयर एक्टो और एंडो के बीच में, उसे कहेंगे मिडल, यानी कि मीजो, ठीक है, मीजोडर्म। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं एनिमल्स जिनके पास दो लेयर्स होती हैं, जो कि होती हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके पास तीन लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडो का बेसिक मीनिंग होता है इन, मतलब अंदर, यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि इंटरनल, और जो एक्टो होता है उसका मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी कि बाहर की तरफ। तो ये एक्टो और एंडो वर्ड्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, टर्मिनोलॉजी मैंने आपको यहाँ समझा दी है, आपके आगे भी चैप्टर्स में ये वर्ड्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। आगे देखते हैं कि इन्होंने हमें नोट्स में क्या बताया हुआ है, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंड इंटरनल जो होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी, ये लेयर्स तो प्रेजेंट होंगी, तो वो होगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि सीलेंट्रेट्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि इसमें डिप्लोब्लास्टिक में भी एक बेसिकली पार्ट है, अनडिफ्रेंशिएटेड एक लेयर होती है इन दोनों लेयर्स के बीच में, जो कि मतलब मीसोग्लिया जिसके बीच में प्रेजेंट होता है, मीसोग्लिया वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा मतलब पार्ट होता है जो कि मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड, सॉरी एम डबल बार रिपीटेड है, स्पेलिंग मिस्टेक, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। मीजोग्लिया क्या होता है, ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। अब हम आ जाते हैं दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके पास अगर एक थर्ड जर्मिनल लेयर है, कुछ एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है, थर्ड जर्मिनल लेयर है और मीजोडर्म है जो कि होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यानी कि थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सी है, मीजोडर्म है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लैटीहेलमिंथिस एंड कॉर्डेट्स। आगे हम देखेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या होता है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो होते हैं कॉर्डेट्स, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो आगे हम नोटोकॉर्ड्स में ही हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। देन हम आगे चलते हैं कि ये सीलम क्या होता है, सीलम बेसिकली होती है कैविटी, एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना हो कैविटी, ठीक है। अब कैविटी आप सोचोगे कि ये भी तो कैविटी हो सकती है, समझ लो, आप सोचोगे ये जो खाली स्पेस है ये कैविटी है, नो, ये जो है माउथ हो गया, एनस हो गया, आप सोचोगे ये जो है ना ये कैविटी होगी, बेसिकली इट्स नॉट अ कैविटी। कैविटी होती है जो आगे जो लेयर हो जाएगी ना, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर आपके सारे ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगी आपकी कैविटी, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कैविटी में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैविटी जो होती है एक बॉडी वॉल एंड अ गट वॉल, जो भी आपका गट जो प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, जो भी आपका गट जो प्रेजेंट होता है उसके और बॉडी वॉल के बीच में जो जो जगह होती है ना खाली, उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, जो कि कहलाती है सीलम, ठीक है। ये किससे लाइंड होती है, इट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म इसको लाइंड किया होता है, यानी कि इसको कवर्ड, ये जो है लेयर यानी कि मीजोडर्म की तरह से कवर किया होता है। एनिमल जिनके अंदर सीलम होती है उसे हम कहते हैं सीलोमेट्स, ये आगे आपको मिलेगा, जिसके अंदर सीलम होती है सीलोमेट्स, सीलम नहीं होती है होते हैं स्यूडो सीलम, यानी कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, इस वर्ड का सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और सीलम का मतलब कैविटी, यानी कि फॉल्स कैविटी, यानी कि कैविटी प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, जिनके अंदर सीलम होता है उसे कहते हैं सीलोमेट्स, एंड जिनके एग्जांपल यानी कि जिनके पास कैविटी होती है वो होते हैं एनेलिट्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, देन देखो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि आपको इनके एग्जांपल कैसे याद रखने हैं। बेसिकली यहाँ पर एनसीईआरटी की हर एक लाइन लिखी हुई है तो उसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। इफ़ द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी अगर नॉट अगर मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, अगर कैविटी है तो बेसिकली 110% है कि वो मेसोडर्म से लाइंड होगी, मेसोडर्म से कवर्ड होगी। बट अगर वो बॉडी की कैविटी मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट वो मेसोडर्म से कवर अप नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्यूडोसीलम। ठीक है, बॉडी कैविटी है बट वो मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है, इसका मतलब स्यूडोसीलम। एनिमल जिनके पास स्यूडोसीलम्स होता मतलब तरह की कैविटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। ठीक है, जिनके एग्जांपल भी यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं एस्केलमिंथिस। ठीक है, देन एनिमल्स जिनके पास बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होती है उन्हें हम कहते हैं अकेलोमेट्स। सॉरी, मैंने आपको अभी एक मिनट पहले आपको मैंने ये बोल दिया था कि स्यूडोसीलम क्या होते हैं, जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, बेसिकली वो गलत था, वो कन्फ्यूजन की वजह से हो गया होगा मे बी। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन कर लेते हैं, सीलोमेट्स वो होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती है, स्यूडोसीलोमेट्स वो होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती है बट विदाउट मेसोडर्म। ठीक है, एंड जो एक्लोमेट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, जिनके पास हमारी बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लैटीहेलमिंथिस। आगे चलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किस तरीके से होता है, समझ लीजिए आपका ये जो है अर्थवॉर्म है, इसके अंदर कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जो कि इसकी अलग अलग सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब हर एक सेगमेंट के पास अपना अपना भाई एक तरीका होता है, एक एक अपनी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस होती है कि हर एक प्रोटीन किस तरीके से काम कर रहा है किसी एक डिफरेंट पार्ट को डिवाइड करने में। समझ लो अगर ये इसका माउथ है, ये इसका मिडिल पार्ट है और ये इसका एनस पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, आप ये देख सकते हो कि ये माउथ कैसे बना, इसको हमने मिडिल पार्ट क्यों कहा और इसको हमने टेल क्यों कहा। ठीक है, तो देखते हैं हमने इसको टेल क्यों कहा। आप बेसिकली इतना समझ सकते हो कि जो प्रोटीन है वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि कौन सा पार्ट हेड होगा, कौन सा पार्ट नेक होगा और कौन सा बॉडी मिडिल पार्ट होगी और कौन सा बॉडी एनस मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट होने वाली है, लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अर्थवर्म में यही है, सेगमेंटेशन यहीं पर काम करती हैं। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बॉडी जो है एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड रहती है कुछ सेगमेंट्स के अंदर विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। रिपीटेशन भी होती है इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स की, यानी कि ऐसे कोई ऑर्गन इस पार्ट में है तो नेक्स्ट ऑर्गन दूसरे सेगमेंट के दूसरे पार्ट में होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, इस तरह के जिसमें ऑर्गन्स भी कई बार डिवाइड रिपीटेशन में होते हैं उस पैटर्न को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो फिनोमेना है उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, कि जिस तरीके से वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं वो जिस फिनोमेना की वजह से हो रहे हैं उसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म और वो पैटर्न को हम कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म के अंदर आपको काफ़ी सारी सेगमेंटेशन देखने को मिल जाती हैं और इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है, देन हम आ जाते हैं नोटोकॉर्ड पे। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होती हैं, नोटोकॉर्ड जो होती हैं आपकी जो नर्व जो जैसे कि डॉर्सल समझ लीजिए डॉर्सल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये वाला पार्ट जो है यानी कि उल्टा पार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है पीठ वाला पार्ट, और जो आगे मतलब चेस्ट वाला पार्ट होता है वो होता है वेंट्रल। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेंट्रल। ठीक है, देन हम देखते हैं मेसोडर्म डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे डॉर्सल पार्ट पर प्रेजेंट होती है एक बेसिकली शेप देने के लिए, जैसे कि हमें ये बताएगी कि स्केलेटल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। स्केलेट हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, उसी तरह नोटोकॉर्ड का भी अपना एक फंक्शन है। जैसे कि आपने देखा होगा स्केलेटल सिस्टम जो है बॉडी को स्टिफ बनाने के लिए, बॉडी को एक स्टैंडिंग देने के लिए काम आता है, उसी तरह से नोटोकॉर्ड का भी अपना काम होता है। ये एक मेसोडर्म होता है ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड ऑन एंडोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही बन जाती है,
ठीक है, और कहाँ बनती है, डोर्सल साइड पे। एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तब जो है एनिमल्स के पास अगर नोटोकॉर्ड नहीं बनी है तो उन्हें हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स, जिसके एग्जाम्पल पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म तक होते हैं। पॉरीफेरा से एकाइनोडर्म तक जितने भी आपके फाइलम होंगे वो सब जो होंगे वो इसी में इंक्लूड होंगे, नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने चैप्टर को, सॉरी चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट को। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अवर ऑल अवर वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक को ज़रूर क्लिक करिए, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई मेम्बर है और जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उसको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि आप जो हैं उनकी हेल्प करें और उनको अपने अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प हो और वो अच्छे मार्क्स ला सकें। बेसिकली हम कभी झूठे वादे नहीं कर रहे हैं इस चैनल पर, हम बेसिकली वही कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस है और जहाँ से हमने सीखा है आपको वही सिखा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपका बोर्ड्स होता है उसके लिए भी और क्लास के एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए नहीं होती है, आपको स्मार्ट स्टडी करना होता है, नॉट हार्ड वर्क करना होता है। हार्ड वर्क बेसिकली हर बच्चे को करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आपने सीखना छोड़ दिया, आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, सो बेसिकली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप अगर आपको वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।